भाई ये जाता रहता दिल्ली से माल लेके आता चोरी का और यहाँ लाके ठेकेदार बेचता है। यहाँ पे दीपक को थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक तो मिल गई। मैंने दीपक से पूछा कि भाई इस कोल्ड ड्रिंक को कौन पिला रहा है, अगर दीपक ने सही बताया तो भाई दीपक को दोबारा कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, गलत बताया तो दीपक खुद कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। पता जल्दी तेरा टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो चल रहे भाई मार्केट की तरफ, धूप हो रही है बहुत बढ़िया वाली। आज मुझे काम भी एक जगह, तो फिलहाल मैं जरा नीरू भाई के पास जा रहा हूँ, उससे एक प्रिंट लिखवाना है मेरे को, उसके बाद बैठूँगा। और दोपहर बाद मेरे को एक काम भी है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से अपने छोटे मोटे काम जो हैं वो निपटा लेता हूँ। तो चलते हैं भाई मार्केट की तरफ। दुकान पर आया हुआ था, दो तीन रील बनाई हमने, दो बनाई है ना, तीन बना दी है, तीन रील बनाई हमने ओरिजिनल भाई अपनी वॉइस में पहली बार। तो भाई डालेंगे हम अपने फेसबुक पे भी डालेंगे, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे। तो अगर दोस्तों आप देखो तो प्लीज़ लाइक भी करना और मेरे को फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे भी, है ना भाई। तो जिस नए चैनल के साथ शुरुआत करिए तो सब भाइयों को मैंने बताया, सबने बोला भाई बढ़िया है कोई बात नहीं, मेहनत करो सपोर्ट करेंगे। मार्केट में आया हूँ, सबको पता चला, जैसे आज मैंने सुबह वैसे तो सबको लिंक अपना शेयर कर भी दिया था, तो मैं कहा भाई बस सपोर्ट कर देना दीपक भाई, सपोर्ट कर देना पूरा सपोर्ट होगा। नीचे तो फोटो बजाना, नीचे देख के घंटा जरूर बजाना भैया। ये देखो भाई ये फर्जी लीड लाते हैं दानिश मियां जी। साउंड तो अच्छा आ रहा है भाई मेरे को, तो मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मुझे अच्छा आ रहा है। भाई लोकल है, सी रही है ना भाई साहब, कह मत दियो किसी से लोकल है भाई, गारंटी दे रहा हूँ, वीडियो में बननी है, अमन भी आखड़ा है। ये भाई साहब लोकल लीड है, इसको बता रहा भाई 400 रुपए की लहा लग रही है, कहीं फर्जी JBL लिखा, JBL फर्जी JBL लिखा हुआ है यार। कैसे कैसे यार, चल मैंने तो अच्छा तेरे को वो दे दिया, ये ले रख ले इसका साले, काम आएगा हमारे। ना भाई दे दे भाई, लोकल है ना, दे दो मत लो। मैंने कहा तू किसने ले के ले? नहीं भाई मेरे को तो मजा नहीं आया भाई नीरू है, बेकार है, 100 रुपये में देता हूँ तो बात का है, 100 रुपये में ले लूंगा नीरू है। भाई ये जाता रहता दिल्ली से माल लेके आता चोरी का और यहाँ लाके ठेकेदार बेचता है यहाँ पे दुगने रेटों में। चोर बाजार लगता है मुझे पता, वहाँ पे चोर बाजार लगता है। ये साले चोर बाजार का माल दिख रहा है तुम्हें, बैंचो जैसे खुद दिखाइयो ऐसे ही तुम्हें चोर बाजार का भी, तो डब्बा भी है इसका। डब्बे में तो ये ऐसा गंदा माल आ रहा है, 10 रुपए का ये ले, इसने 10 रुपए लगाए, मैंने 100 रुपए लगाए, बताया 10 की 3 है। हाँ पक्के चोरी के नहीं वाले भाई। तो भाई दोपहर में जब मैं वीडियो बना रहा था उसके बाद मैं चला गया था काम से, मुझे एक्चुअली काम था नोएडा में, आज जरूरी काम था, वो नहीं बताऊंगा खैर क्या काम था क्या नहीं था, लेकिन काम से गया हुआ था। अब आया था लौट के तो सीधा नीरू भाई की दुकान पे रुक गया था, मगर थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, ठेकेदार भी आ गए थे चोरी का माल लेके, तो देख रहे थे वही कि कैसा होता है। और ये बोल रहा है कि JBL का 10,000 का वो होता है ना हेडफोन, वो 1,000 रुपये में दे दूंगा, बताओ कोई 10,000 का हेडफोन साला 1,000 रुपये कैसे दे देगा कोई। भाई 100 पीस लेने पड़ेंगे ना, और 100 पीस भी नहीं मिलने के, नीरू बताइए जरा है। चलो मेरे साथ मैं दिलाता हूँ भाई, लौट आई हुई है। चलो ठीक है, लैपटॉप मिलने में तो बताओ भाई, जो 50,000 का वो 10,000 में मिले तो मैं लूंगा, 15 में भी ले लूंगा, चल कोई बात नहीं। बैट आए हुए खेलने वाले अगर चाहिए तो बैट ले ले, संडे मैच खेलते हैं नीरू, संडे मैच खेलता है, बैठा ले उठ जा सुबह सुबह, कह रहा एक ही संडे मिलता उसमें भी मर रहे हो सारे। तो भाई संडे मैच खेलते हैं, बैट लिया बढ़िया से, बैट लिया संडे भाई, शटल भी है, दो तीन बंदे चिड़िया भी है, बैट लाओ बैट बॉल मिलेंगे, खेलेंगे कहीं ना मैदान तो, अरे मैदान तो ढूंढ लेंगे मैदान बहुत है। जब हमने एक बार बीच में खेलने को बनाया था ना, तुम यहाँ जाते थे इस वाले पार्क में, कौन सा था टंकी वाला, अबे अब पता कहाँ खेल रहे लोग इसमें खेलते हैं बालक, बस तो और पता, अब मैं छोटा गेम खेलना तो इस वाले पार्क में खेल लो, और अपना ये वाला पार्क भी मंदिर वाला, भाई पार्क तो बहुत है खेलने के लिए, भागना ज्यादा खेलना कम है, मंदिर वाले में खेल लेंगे, इसी बहाने थोड़ा सा पेट भी कम हो जाएगा जो हमने सारी एक्सरसाइज। मैं तो भाई रनिंग में विश्वास ही नहीं करता, सीधे चौके छक्के मार, मैं भी नहीं करता, मैं थक जाता हूँ, सांस फूल जाती है। 15 दिन हो गए भाई साहब जिम छोड़े हुए, पैसे मुझे लग रहा है फ्री के पैसे देते हैं हम हर जिम में, ये मैं मतलब हर बार हर जिम में फ्री के पैसे दिए, मतलब हम करते बढ़ते ना इंदिरापुर में हमारा कर्जा है, बहुत जी में पैसा दे रखा है। आज सोचा था रूटीन बनाऊंगा लेकिन आज भी नहीं बन पाया क्योंकि लेट हो गया था, तो चला गया भाई आज सबको, देखते हैं कल से, अब अगले मंडे से थोड़ी देर बात करते हैं, देखते हैं क्रिकेट की तैयारी करते हैं एक बार। अरे एक मुद्दा काट लिया है 40 रुपए से, कोल्ड ड्रिंक आ रही है भाई, अरे तू आ जा लेके मैं दे दूंगा, टेंशन ले रहा है तू यार, आ जा भाई कल 1 लीटर की बनाएंगे, जैसे तो वो गंदा लोग नहीं, जैसे तो भेड़ पसर को आई, और ये बैठ गए, ये लाल बैठ गए, अबे आज दे भाई ठंड में थोड़ा सा गला ठंडा हो जाने दे,
अरे एक चिप्स मालिक जब इतना थोड़ा सा चिप्स लिया भाई मूड बहुत अच्छा है यार, थोड़ा दिल भी खुश है, तो मैं कहा ठंडा पी लिया जाए, मजा आ जाएगा। बाकी पार्टी के सारे मेंबर कल गायब थे, आज आज तो आ गया, दाने से मिल गया भैया, अंकुर बैठा है, नीरू बैठा है, नीरू तो खैर यहीं बैठता है भाई, सुबह जाते हैं दिल्ली रात को आते हैं, ठेकेदार है भाई, सचिन टिचकुरे, सही बात, सचिन टिचकुरे कब खत्म हो जाएगा, इंद्रपुर में शुरू होने वाला है। चलो भाई इंदापुर में जो ये ठेकेदारी करेगा तो हम इसकी साइड में जाके बैठ जाएंगे, मेरी तरफ से फिर ये कोल्ड ड्रिंक और समोसा बढ़िया वाली, वहीं जाके बैठेंगे शाम को रोज, ठिया भी नहीं है ना भाई, नीरू क्या बैठ जाते शाम को, कोई कस्टमर आ गया वो तो आज ही फ्री बैठा है, मंडे मंडे कस्टमर थोड़े से ऐसे रहते डाउन, इसलिए आराम से बैठे हुए सारे के सारे। भाई कोल्ड ड्रिंक आ जाए, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे पहले, मान लिया भाई कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आ गई ठंडी काफी टोटका करने के बाद, तो भाई ग्लास भी लिया जब आ गए, चिप्स विप्स भी ले लेना जब इतना खर्च करा, उसका पूरा खराब कर रहा था भाई, अंकुर के लाख बोलने के बाद में हमारी कोल्ड ड्रिंक आ गई, लेकिन अब हम कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं ठंडी मस्त जबरदस्त, खुशी का माहौल आज बनना बढ़िया वाला भाई। तो फाइनली भाई कोल्ड ड्रिंक आ गई, तो मैंने कहा सबके अंदर डाल दी जाए थोड़ी थोड़ी, सब पी लें भाई मजे से, अंकुर भी नहीं रहा उसका गला खराब हो रहा है, हाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता ये, बढ़िया कोकला है ये तो, और बढ़िया भाई कोक और थम्स अप भी मस्त लगती है बस, और उसके अलावा कुछ लगती नहीं, बढ़िया। तो ये फाइनली चार ग्लास में तो मस्त हो गई, अगर ये पीता तो इसके में भी हो जाती थोड़ी थोड़ी, तो ये भाई हो गई फाइनली कोल्ड ड्रिंक हमारी तैयार, थोड़ी सी खुली नमकीन भी लिया, कह रहा कि भाई सूखी सूखी मज़ा नहीं आता भाई, काला नमक ए काला नमक इसमें, मैं तो लिमका में डालता हूँ, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता, ये देखो ये लिख ली, ये लिख ली, ये लिख ली, ये लिख ली, लिखली 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 दीपक अभी आया, दीपक को थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक तो मिल गई, मैंने दीपक से पूछा कि भाई इस कोल्ड ड्रिंक को कौन बुला रहा है, अगर दीपक ने सही बताया तो भाई दीपक को दोबारा कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, गलत बताया तो दीपक खुद कोल्ड ड्रिंक बुलाएगा, पता जल्दी तेरा टाइम शुरू होता है अब जल्दी, जल्दी बता बड़ा किन्ने मंगाई है, तो एक तो तूने बताया था दानिश, दानिश का तो तेरा खराब हो गया पहले, हाँ पहले बता भाई जल्दी बता, अरे तू बता दे भाई अब नहीं जल्दी बता, ये जल्दी चल फाइनल तो कर जल्दी भाई, इतनी लंबी वीडियो नहीं बनेगी भाई, जल्दी बता जल्दी बता, नहीं समझ में क्या आ रहा है अब, चार बंदे बचे अब तू बता, चार में से कौन, मैंने इससे पूछा भैया, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक कितने मंगाई है उसका नाम बता दे, तुझे दोबारा कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, नहीं तो तू ही एक कोल्ड ड्रिंक बुलाएगा कल या परसों में, हमें बता दूं, हाँ चलो बताओ, पता है नहीं भैया को कहाँ पता है, अच्छा चल तू गैस कर जल्दी फटाफट बता, ए इतना का सर इतना डर रहा है बस, बस एक कोल्ड ड्रिंक से डर रहा है भाई, पिलानी तो तेरे को फिर भी पड़ेगी ना, दीपक पिलानी तो तेरे को फिर भी पड़ेगी, क्योंकि तू सर तो हार गया है बुरी तरीके से, चल छोड़ कोल्ड ड्रिंक भी माफ, चल अंदाजा बता अगर तेरा अंदाजा भी थोड़ा राइट हुआ है भाई, नीरू चल तेरे को माफ कर, बता कभी खर्च नहीं करता हूँ, चल अब कौन बता जल्दी, अब मैं ब्रो तो खर्च करता, तू हार गया, तू ही हार गया, चल तेरे को एक मौका और दिया, चल लास्ट है नीरू, इसे लास्ट मौका और दे रहा हूँ, बता जल्दी तेरे को लास्ट मौका दे रहा हूँ, अब नीरू को भी हट गया, अब बता, अब तीन जने बच्चे और भैया को भी गिन लियो ना, भैया के जोड़ अमन धीरज और अंकुर, हाँ तीन जने, तीन ही तो बच्चे हैं ना, दो को तो गलती बोल दी, जल्दी बता, बता जल्दी बोल, मैंने भाई साहब इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, अच्छा इससे तो कोई सर्दी की मत लगाना, जिंदगी भर हारता रहेगा ये, और सुन अब बताओ किसने मंगाई है, एक मिनट तू वीडियो देख लियो, अच्छा और इसे कुछ मत बता, तू वीडियो देख लियो, दोस्तों घर पे साउंड हो रहा है बहुत तेज पीछे से एकदम, मतलब किसी की यहाँ पार्टी वार्टी चल रही होगी, एक मिनट लाइट जला देता हूँ, तो बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, जाना तो मुझे भी था लेकिन मैं गया नहीं, तो घर से गए हैं भाभी भैया गए हैं केशव गया है, तो मैंने कहा भाई अभी तो नहीं गया, भूख तो इतनी है नहीं मेरे को इसलिए, और दोस्तों एक चीज़ और, एक मैं जो अपनी कंपनी पे वीडियो बनाने वाला था, जब मैंने एक कंपनी में काम किया था उसकी स्टोरी मेरी तैयार होती जा रही है, बस हाफ स्टोरी तैयार हो गई है, बस उस पर भी मेरा पूरा काम चल रहा है, क्योंकि मेरे जो काम रुके पड़े हैं वो काम पूरे हो जाएं, तो मेरी रियल स्टोरी होगी मेरी लाइफ के ऊपर होगी, और जैसे लोग वह फ्रॉड करते हैं चीट करते हैं लोगों के साथ, वो चीज़ मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा, एक पूरी कहानी होगी फिल्म की तरह, वो पूरी स्टोरी मैं लिख रहा हूँ, तो उसको मैं जब पेश करूँगा जब वो मेरा सारा काम भी हो जाएगा,
क्योंकि फायदा नहीं कि मैं स्टोरी बना के रख दूं और मैं उसका लास्ट डी एंड जो है डी एंड का वेट करता रहूं और पता चल रहा मैं उस पार्ट को छोड़ दूं आधे को और उसका आधे पार्ट का जो आप वेट करते रहो। मैं सोच रहा हूँ मेरी पूरी स्टोरी तैयार हो जाए और जो मेरे साथ जो सीन चल रहा है वो पूरा ख़त्म हो जाए। उसका आधा काम, आधे से भी ज़्यादा काम आज ख़त्म हो चुका है। जितना सबक मिलना चाहिए था लोगों को उससे ज़्यादा मिल गया। बेइज्जती अपने लोग करा ही रहे हैं जिनके साथ मेरा इशू चल रहा है इस टाइम। तो फिलहाल वो मेरी स्टोरी है जो मैं आपको रियली मैं अपनी पेश करूँगा आपके सामने कि किस तरीके से चीट करा जाता है। तो हमने लगा चल छोड़ कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना भलाई नहीं करनी चाहिए किसी की, तो वो हमने कर दी थोड़ी सी। तो हमें जब भलाई हमने करी है तो मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी तो कर ही दी है, तो भुगत तो हो रही है और भुगतेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अभी देखता हूँ, बैठा हूँ घर पे। मैं सोच रहा था स्टोरी का, मैं सोच ही रहा था यार मेरी वो स्टोरी अभी तक रुकी पड़ी है, चैनल वैसे ही मेरा ब्लॉग हो गया है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब इस ब्लॉग इस पर डाल देंगे, उससे कोई बात नहीं है इशू। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, अभी तो टाइम है, महीने दो महीने के अंदर मेरी स्टोरी भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, दो महीने के अंदर मेरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, लोगों को सबक मिल जाएगा, फिर रियल स्टोरी जब मैं दिखाऊंगा जब समझ में आएगा। और कुछ आज जिस काम से मैं गया था जहाँ पे, तो उधर मुझे कुछ अपनी स्टोरी के लिए, जो अपनी वीडियो के लिए मुझे कुछ वीडियो क्लिप मिल गई हैं, जेन्युइन वीडियो क्लिप मिली हैं कि लोग बाग जो गलत लोग बाग है ना जिनके साथ मेरा इशू चल रहा है उनकी ओरिजिनल वीडियो मुझे आज मिल गई है जो मैं अपनी स्टोरी में ऐड करूँगा। ठीक है, तो वो फर्जी भी नहीं होगी, कोई ऐसा भी नहीं कि वो मेरे पे क्लेम कर सके किसी चीज़ का, क्यों वो रियलिटी होगी। इसलिए दोस्तों बड़ा मज़ा आएगा जब आप मेरी स्टोरी देखोगे, दिल खुश हो जाएगा देख के कि हाँ ये मतलब ये बंदे ने स्टोरी लिखी है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टोरी इतनी मज़ेदार होगी, बढ़िया स्टोरी बनाऊंगा। एक मिनट जरा पानी पी लेता हूँ। नारियल लग रहा है यार, ये नारियल भी पूजा वाला है, कल मैं फोड़ूंगा याद से, भूल जाता हूँ बार बार मैं। और आज मेरी व्यूम से भी ज़्यादा बात नहीं हो पाई है क्योंकि इधर तो निकल गया था काम से, बाकी फिर शाम के टाइम दोस्तों के साथ बैठा रहा था तो वहाँ पे ऐसी मजाक चल रही थी तो मज़ा आ रहा था थोड़ा बात करने में। और आज वैसे ही मूड बहुत सही था, रिलैक्स था पूरी तरीके से, मूड सही था आज, अच्छा सा मज़ा आ गया आज, बस थी कोई बात। लेकिन दोस्तों अब ब्लॉग तो मेरा कंटिन्यूस होने वाला है, मैंने कल आपको बता ही दिया था, देखता हूँ मैं आज नाम भी चेंज का कर ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, नई शुरुआत ब्लॉग साथ अब यही होगी। अब जो मैं एक्चुअली डाल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ब्लॉग जो मैं डाल रहा हूँ 154 ब्लॉग 55 ब्लॉग में डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस पे इतनी हो चुकी थी। अभी देखता हूँ, सलाह मशवरा करूँगा, सोचूंगा तो इसको एक करना है दो करना है जो ब्लॉग मतलब मेरे इस पर अगर तेने 3-4 ब्लॉग डाल दिए तो आज पांचवा करूँ या उसको एक्चुअली 156 चलने दूँ। एक दोस्त है मेरा एक, वो भी यूट्यूबर है, उससे बात करूँगा, उसके बाद सोचूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एंड गुड नाइट।